ओके गाइस बिसमीम बेटा कंपनी का जो टॉपिक है हमारे पास एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पेपर में भी बहुत आता है 2016 के बाद आना शुरू हुआ इससे पहले तो बहुत कम आता था और इतना ज़्यादा नहीं आता कम ही आता है लेकिन जब आता है तो एक मतलब इजी होता है मतलब एक पैटर्न है उसी तरह के सवाल आते हैं मतलब अगर आप पासवे पेपर्स के सवाल कर लें तो आपके लिए क्या हो जाएगा पेपर करना आसान हो जाएगा सर कंपनी है क्या पहले जरा थ्योरी को फोकस कर लेते हैं हमारे पास तीन तरह के बिजनेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक होता है कि जिसमें एक ही बंदा क्या करता है बिजनेस को देख रहा होता है जिसको हम प्यार से कहते हैं सोल ट्रेडर सोल ट्रेडर ऐसा बिजनेस जिसको एक ही बंदा देख रहा हो मतलब एक ही बंदा है जो उसका ऑनर है एक ही बंदा है जो उसका सारा प्रॉफिट शेयर करता है सर इसके अलावा दूसरा तरीका दूसरा तरीका होता है हमारे पास पार्टनरशिप पार्टनरशिप में यह है कि पैसे पहले एक बंदा लगा रहा था सोल ट्रेडर में तो पार्टनरशिप में क्या होगा आपके पास एक से ज़्यादा बंदे लगा सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है लेकिन ज़्यादातर बीस बंदों की लिमिट होती है बीस से ऊपर की पार्टनरशिप जो है वो सही नहीं है फिर उसको कंपनी ट्रीट कर लिया जाता है अच्छा जी सो फ़ायदा क्या होता है पार्टनरशिप का पार्टनरशिप में मोर आइडियाज आ जाते हैं मोर कैपिटल इन्वेस्ट हो जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह शेयर हो जाती हैं लेकिन अगेन इशू क्या है इशू ये है दो इशूज है बड़े एक तो अनलिमिटेड लाइब्रिटी होती है चाहे सोल सोलटेड हो चाहे पार्टनरशिप हो कल कोई भी लॉस होगा आपको अपने पर्सनल पोजिशन सोल्ड आउट करने पड़ेंगे उस लॉस को पूरा करने के लिए दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पार्टनरशिप में लिमिट होती है बीस से ऊपर बंदे नहीं रख सकते आप तो अगर बिजनेस को मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ बिजनेस को मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ तो इज देर एनी वे कि जिससे मैं बिज़नेस को एक्सपेंड भी कर लूँ और जो मेरे जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनकी लाइब्रिलिटी जो है वो लिमिटेड भी हो जाए ताकि कल उनको लॉस वगैरह हो तो घर की चीजें नहीं बेचनी पड़े तो उसके लिए ये कंपनी वाला कॉन्सेप्ट तो को लाया गया नाम है में पैसा लगाने की क्या वो नहीं होती कोई लिमिट नहीं होती मतलब एक मिनिमम अमाउंट रख दिया जाता है मिनिमम अमाउंट कि कंपनी में अगर आप, आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं किसी भी फोर्स कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो कंपनी क्या करती है कंपनी को अगर फोर सपोज दो करोड़ चाहिए कंपनी को चार करोड़ चाहिए पांच करोड़ चाहिए तो वो ऐसा नहीं है कि आपसे पांच करोड़ मांगेगी वो उस पांच करोड़ को क्या करती है डिवाइड करती है एक अमाउंट के अंदर उस अमाउंट को प्यार से कहते हैं शेयर उस अमाउंट को प्यार से क्या कहते हैं शेयर कहते हैं और उस शेयर का वैल्यू जो थी वो रख देती है फोर सपोज एक शेयर कितने का है डॉलर हंड्रेड का फोर सपोज हंड्रेड का होता है नहीं वैसे डॉलर टेन का होता है मोस्टली लेकिन कंपनी क्या करेगी अगर उसको एक करोड़ चाहिए दो करोड़ चाहिए तीन करोड़ चाहिए तो वो लोगों को ये नहीं कहेगी मुझे एक एक करोड़ रुपया मुझे दो ऐसे नहीं करेगी वो क्या करेगी वो बोलेगी भाई मुझे पैसों की जरूरत है ठीक है आप आए मेरी कंपनी में पैसा लगाएं मेरे बिजनेस में पैसा लगाएं और मेरी कंपनी के शेयर खरीदें एक शेयर पे आपको एक वोट मिलेगा वोट से मुराद है कि आप कंपनी में कल जाके इलेक्शन वगैरह में खड़े हो सकते हैं तो वो उस शेयर के पैसे रख देती है डॉलर हंड्रेड अब फॉर सपोज मुझे एक करोड़ चाहिए तो वो दस लाख शेयर बेचेगी ठीक है ना मुझे एक लाख रुपए चाहिए तो वो उसके लिए दस हज़ार शेयर बेचेगी ठीक है तो वो डिपेंड करता है तो कंपनी में क्या है हर बंदा पैसा लगा सकता है रीजन उसका ये होता है कि वो शेयर की वैल्यू बहुत कम होती है तो डॉलर हंड्रेड भी बंदा लगा सकता है डॉलर टू भी लगा सकता है डॉलर थ्री भी बंदा लगा सकता है ठीक है तो वो शेयर के जरिए क्या करते हैं लोग उसमें पैसा लगाते हैं और हर साल फिर उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलता है वो ड्राइंग तो कर नहीं सकते कंपनी में ड्राइंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो ड्राइंग की जगह पे कंपनी के डायरेक्टर्स क्या कर रहे होते हैं डिविडेंड दे रहे होते हैं जो भी प्रॉफिट कमा रहे होते हैं उसमें से, से हम क्या डिविडेंड कहते हैं, हैं। यहां तक मेरी है थोड़ा सा और दीजिएगा ठंडा पानी पूछ रही हूँ कि क्या मेरी बातें यहां तक क्लियर हैं जो एक मैंने ओवरव्यू दिया है अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है जो असल हमारा टॉपिक है कि कंपनी के सर अकाउंटिंग कैसे होगी जिस तरह सोल्ड्रेडर पार्टनरशिप की आपने अकाउंटिंग सिखाई है कंपनी की किस तरह होती है तो कंपनी में सबसे पहले बनती है इनकम स्टेटमेंट अच्छा जी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी ये मैंने एक रफ फॉर्मेट बनाया रफ फॉर्मेट टू कॉलम होता है वैसे तो वन कॉलम होता है लेकिन मैं आपको भी टू कॉलम सिखा रहा हूँ ठीक है अच्छा जी कंपनी में इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है बिल्कुल नॉर्मल है अगर एक कंपनी बाय एंड सेल करती है तो सबसे पहले लिखेगी रेवेन्यू रेवेन्यू में से अगर कोई रिटर्न होगा तो माइनस करेंगे मैंने आसानी के लिए नहीं किया माइनस ठीक है आसान बनाने के लिए नहीं किया उसके बाद सर क्या करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी परचेजेज आएगी अगर कोई कैरेज जनवर्ट है तो वो भी आएगा मैंने लिखा नहीं आसान बनाने के लिए ठीक है परचेज रिटर्न है तो वो माइनस करेंगे और आखिर में क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स वो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीपी अब जरा गौर से सुनिएगा अब जरा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कंपनी क्या करती है जी ज्ञान यू उनके पास नेट का मसला है ठीक है ज्ञान यू उनके पास आप अपना डाटा ऑन करें अच्छा सुने अब आगे सुनिएगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताने चाह रहा हूँ कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में जो एक मेन चीज है वो ये है कि ये लोग एक्सपेंस को ब्रेक करते हैं दो हिस्सों में एक एक्सपेंस को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक एक्सपेंस को बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसको जरा और समझिएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी होते हैं लाइक like, रेंट आप पे कर रहे हैं वेजेस आप पे कर रहे हैं इंश्योरेंस दे रहे हैं ये बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है मतलब अगर आपकी सेल्स में इजाफा होगा तो इनमें भी इजाफा होगा मोस्ट प्रोबेबली इनमें भी इजाफा होगा बेटा कैमरा बंद कर दें घरेलू हालात छो रहे हैं तो ये मेरी रिक्वेस्ट है अरलान बेटा अच्छा जी सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सर क्या आता है रेंट वेजेस डेप्रीसी और लॉस ऑन डिस्पोजल बैड डेट डिस्काउंट अलाउड वो सारे इसके अंदर आएंगे सिर्फ कौन सी चीज ऑपरेटिंग में नहीं आएगी कॉन्सेप्ट कौन सी चीज नहीं आएगी तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना जॉब का इंटरेस्ट ऑन लोन होता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होता है ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आएगा क्यों सर क्योंकि लोन जो होता है ना लोन लोन का ताल्लुक बिजनेस के ऑपरेट करने से नहीं होता लोन का लोन तब अराइज होता है जब आपको बिजनेस एक्सपेंड करना हो और आपके पास फाइनेंस नहीं हो आपके पास सफिशेंट अमाउंट मौजूद नहीं हो इंटरनली तो मजबूर फिर आप क्या करेंगे लोन लेंगे या फिर आप डिबेंचर इशू करेंगे उसके अगेंस्ट आप पैसे लेंगे और उस पर फिर क्या करना होगा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो ये इंटरेस्ट और लोन एक्सपेंस तो है लेकिन इसका ताल्लुक फाइनेंशियल कैपेसिटी से है मतलब बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हमें करना पड़ता है जब बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है तो मजबूरी में हमें लेना पड़ता है अगर हमारा अपना पैसा होता तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें नहीं देना पड़ता तो कंपनी में क्या होता है कि हम क्या करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंस माइनस करते हैं एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन के

क्योंकि अगर मैं फाइनेंस नहीं लेता मैं लोन नहीं लेता मैं डिपेंशन नहीं लेता तो मेरा असल प्रॉफिट फिर ये वाला होता ये जो प्रॉफिट फ्राम ऑपरेशन है ये वाला होता तो आपने कंपनीज के रेशोज नहीं किए आप मोस्ट प्रोबेबली जब ए में जाएंगे तो कंपनीज के अंदर बहुत सारे रेशोज आप करेंगे गैरिंग रेशो है और इनकम गैरिंग है इंटरेस्ट कवर है तो वहाँ ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन बहुत यूज होता है एक आप लोगों ने रॉस पड़ा होगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उसमें हम ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन यूज़ करते हैं यहाँ तक बातें क्लियर है मेरी

लोन का मैंने ये बताया था कि हम बैंक से जब कर्जा लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट एंड जो डेट होती है पे करने की वो बैंक डिसाइड कर रहा होता है डिबेंचर थोड़ा फ्लैक्सीबल है फ्लैक्सीबल से मुराद ये कि बैंक से अगर हम कर्ज़ा लेने जाएंगे तो बैंक थोड़ा सा टाल मोटोल करेगा बड़ी अमाउंट नहीं देगा ठीक है ना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करेगा तो हम चाहते हैं पैसे भी ज़्यादा आ जाएँ इंटरेस्ट भी कम हो और वापस भी आराम से करें तो इसके लिए फिर क्या होता है हमें खुद पर्टिकुलर डिसाइड करने होंगे तो हम खुद पर्टिकुलर डिसाइड कर लेते हैं और एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं उसको बोल देते हैं डिबेंचर सर्टिफिकेट क्या कहते हैं डिबेंचर सर्टिफिकेट कह देते हैं और उसमें लिख देते हैं कि भाई हमारे बिजनेस में एक लाख लगाओ हम हर साल आठ परसेंट देंगे दस साल बाद पैसे वापस करेंगे एंड फलाइन फिर लोगों को इन्वाट करते हैं फिर लोग जिस बंदे का इंटरेस्ट होता है वो हमें दस लाख रुपये देता है जो बंदा इंटरेस्ट शो करता है वो दस लाख रुपये देता है हम उसको वो सर्टिफिकेट दे देते हैं हर साल उसको इंटरेस्ट मिलता रहता है और दस साल बाद उसको पैसे हम वापस कर देते हैं ठीक है इसमें और भी बातें हैं वो आगे जाके मैं बताऊंगा तो अब चलते हैं आगे जरा एक सवाल करते हैं रिसेंट सवाल आया अभी मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ टू थाउजेंड ट्वेंटी के पेपर नहीं किया करो वैसे ठीक है वो बाद में करेंगे तो बाद में मजा आएगा तो कल एक सवाल सवाल हम डिस्कस डिस्कस कर कर रहे थे जल्दी से हमें डिस्कस कर लेते हैं ये 2020 में सवाल आया तो अभी भी एक्सपेक्टेड आ सकता है अच्छा जी इसमें इसने बोला है कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालो तो बेटा देख लें कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलेगी ये जीपी लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है

परचेजेस को मैंने ऐड किया टू सिक्सटी थ्री थाउजेंड सर इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद अगर कोई कैरेज इन्वर्ट है या परचेज रिटर्न है तो वो हम लिखेंगे सर कैरेज इन्वर्ट ये रहा वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो मैंने कैरेज इन्वर्ट लिख दिया वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है सर सर इसके बाद अगर कोई परचेज रिटर्न है तो वो माइनस करेंगे ठीक है लेकिन अगर कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री है तो वो भी माइनस करेंगे तो परचेज रिटर्न तो है नहीं सवाल के अंदर लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री नीचे दी हुई है ये नहीं फिफ्टी नाइन थाउजेंड यहाँ आपके साथ सीन कर सकता है अगर मैंने एन आर वी पढ़ाया हो तो वो ख्याल कीजिएगा बहुत सारे लोगों ने एनआर वी नहीं पढ़ा तो मैं वो चीज़ नहीं बता रहा जब मैं इन्वेंट्री बडेशन पढ़ाऊंगा तो मैं एक चीज़ बताऊँगा इसके बारे में कि वो उसमें क्या सीन कर सकता है तो सर क्लोजिंग इन्वेंट्री हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे फिफ्टी नाइन थाउजेंड मुझे बता सकते हैं अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर हो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई जल्दी से कीजिएगा टाइम बचाएगा ताकि मैं ज्यादा डिस्कस कर सकू चीजें आपसे प्लस ठीक है ठीक है संजना कुमारी ने आंसर बता दिया है संजना ने बताया सर इसका आंसर आएगा टू सेवन वन फाइव हंड्रेड टू सेवन वन फाइव हंड्रेड ये हमारे पास आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स का ठीक है, है बेटा ये दो मास का था, दो मास आपको मिल गया मुबारक हो बेटा सर आगे चलते हैं आगे तो बहुत आसान, है बहुत आसान है सर इसको मालूम करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है नंबर वन हमें ये देखना होगा हमारे ट्रेड रिसिप कितने है? तो वो है एटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड दूसरी चीज हमें चाहिए होगी प्रोविजन फॉर डॉलफरडेट कितना है वो आ रहा है 1, और फिर हमें नीचे एडजस्टमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी

तो यहां मैंने बच्चों को एक तरीका यह बताया था कि आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले अगर कोई बेड डेट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो वो आप पहले माइनस करेंगे तो एडजस्टमेंट में 500 का बेड डेट है यह हम माइनस करेंगे ये हमने माइनस किया तो हमारे पास जो ट्रेड रिसबल आ गए वो आ गए एटी ठीक है सर इस एटी को मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो हमारे पास आ जाएगा करंट ईयर प्रोविजन जो हमारा प्रोविजन बनता है और इसमें से हम माइनस करेंगे जो प्रोविजन ऊपर सवाल में गिवन है वन थाउजेंड का ये हम माइनस करेंगे मैं अगेन रिपीट कर दूं बहुत आसान है पहले हम क्या करते हैं ट्रेड स्पेल की वैल्यू लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज से एंड देन हम क्या करते हैं जो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट हमें ट्रायल बैलेंस में दिया होता है वो माइनस करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस तो आएगा हमें डिफरेंस बताना है आप लोग सही बता रहे हैं सिक्सटीन हंड्रेड न्यू वैल्यू आ रही है लेकिन हमें डिफरेंस बताना है तो डिफरेंस आपके पास सिक्स हंड्रेड आएगा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये इंक्रीज है और नेगेटिव आ रहा है तो ये डिक्रीज है तो यहाँ हम लिख देंगे यहाँ लिखिएगा बेटा इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सोलह सौ था आपका माइनस हजार किया तो ये आ गया सिक्स हंड्रेड ठीक है ये हमारा आंसर हो गया ठीक है यार दो मार्क्स आपको मिल गए अब आते हैं इनकम स्टेटमेंट सर कैसे बनेगी ठीक है सर तो इनकम स्टेटमेंट बेटा सबसे पहले हम रेवेन्यू लिखेंगे अच्छा सेल्स का भी मत लिखिएगा बेटा सेल्स मत लिखिएगा सेल्स, सेल्स की जगह हमेशा रेवेन्यू का वर्ड यूज करें हम समझाने में अगर सेल्स बोल भी दें लेकिन आपने रेवेन्यू लिखना है ये डिस्क्रिप्शन वक्त के साथ साथ बेहतर करें क्योंकि पेपर का टाइम करीब है तो डिस्क्रिप्शन को बेहतर बनाते जाएं रिसेंट पेपर है ना उनमें जाके फॉर्मेट हर चीज देखें तो रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है तो तो रेवेन्यू अब और एक चीज मैं बता दू अगर आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स ऊपर मालूम कर ली है उसने आपसे मालूम करवा दी है तो फिर दोबारा ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज लिखने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स आप डायरेक्ट यहां लिख दें कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरे ख्याल से आ रही थी टू सेवन हंड्रेड टू सेवन वन फाइव हंड्रेड तो सर ये हमारे पास क्या आ जाएगा उसको माइनस करके आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा मुझे जा बता सकते हैं कितना आ गया सर टू फाइव एट टू फाइव एट थाउजेंड ठीक है बेटा ठीक है बेटा अब आगे चलते हैं सर अब आगे चलते हैं सर इनकम स्टेटमेंट इसकी मतलब मैं समझता हूँ नहीं थी उसने है. वो लेवल में तो उसने नहीं दी 2010 में इसने दी थी दो में तो ये 2020 में फर्स्ट टाइम इसे चेक करवाई अब सुनिएगा अब गौर से देखिएगा हमें एक्सपेंसिस कौन से लिख के जाने होंगे अब थोड़ा सा होशियारी के साथ काम करना है एक तो अभी जो मैं एक्सपेंस माइनस करूंगा उसमें इंटरेस्ट नहीं करना है इंटरेस्ट बाद में करना है बाकी सारे एक्सपेंस करना है तो मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ आपको एक्सपेंसिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जाएगा ये ऑफिस एक्सपेंस होता है सर उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जाएगा थर्टी एट थाउजेंड ठीक है सर कैरेज नोड हमने लिख लिया सर और इंक्रीज इन प्रोविजन जाएगा वो हम बाद में देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंदर वो कह रहा है रेट्स हैं बारह सौ रुपये के इसका क्या करना है देखते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास एट हंड्रेड आउटस्टैंडिंग आ रहा है अच्छा ये एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं सम टाइम वो क्या करता है ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं ना एक्सपेंसेस सम टाइम वो क्या करता है इसकी जगह पे ओवरऑल आपको वो क्या कर देगा मतलब फिर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी मत लिखिएगा इसकी जगह पे क्या कर देगा एग्रीगेट करके आपको दे देगा कि हमारे दो एक्सपेंस है एक है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और ए, इसको ऑफिस एक्सपेंस भी बोलते हैं और एक है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वो आपको क्या कर देगा सवाल के अंदर ये दोनों एक्सपेंस दे देगा ट्रायल बैलेंस में कि हमारे एडमिन एक्सपेंस इतने हुए थे और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इतनी आई थी ठीक है ना कंपनी में क्या होता है छोटे छोटे एक्सपेंस बताना जरूरी नहीं होता उसको हम सम अप करके लिख देते हैं की वजह से मल्टीरियल हाँ मां अलग अलग करके बताएं एक साथ लिख लेते हैं तो वो आपको एक साथ दे देगा फिर उसमें एडजस्टमेंट दे देगा तो समटाइम रेंट नहीं लिखा होगा वेज नहीं लिखा होगा उसकी जगह पे ये दोनों दोनों एक्सपेंस दिए होंगे और उसमें किया होगा एडजस्टमेंट की होगी तो टेंशन नहीं सो सोगाइ so आ जाए तो हम क्या कैसे काम करेंगे बेटा गौर से देखिएगा सबसे पहले हम लिखेंगे एडमिन एक्सपेंस डाउन कर लेता आप एक चीज देखें आ, क्या कहते हैं अल्लाह भला करे हमारा साल कब एंड हो रहा है सेप्टेम्बर दो हजार बीस में एंड हो रहा है हमारा साल एंड हो रहा है सेप्टेम्बर दो हजार बीस में हो रहा है. है, है बेटा बताएं इसका क्या करेंगे एडजस्टमेंट का कर जो ऊपर हुई है बारह सौ वाली जो है क्या करेंगे सर बोला है जो एडमिन एक्सपेंसेस में एक अमाउंट इंक्लूडेड है बारह सौ रुपए का जो कि छह महीने का है और उसका फायदा में मिलेगा मार्च दो हजार इक्कीस तक और हमारा साल एंड हो हो रहा है, 2020 हो रहा है सितंबर तक एंड है जी बेटा प्रीपेड कैलकुलेट करेंगे पहले हम देख लेते हैं कितने महीने का प्रीपेड है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर फिर तो जनवरी फरवरी मार्च मतलब पूरे छह महीने बन रहे हैं मतलब ये पूरा ही क्या है प्रीपेड है पूरा ही प्रीपेड है तो बेटा हम क्या करेंगे इसका बारह सौ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे ठीक है अच्छा जी यहां तक मेरे साथ है सर यहां तक मेरे साथ है तो हम फोर्टी फोर था माइनस बारह सौ फोर्टी फोर माइनस बारह सौ मुझे बता सकते हैं कितना आ सर ये आ जाएगा फोर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड ओके गाइस सर इसके बाद आते हैं अच्छा जी इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहते हैं प्रोमोशन वगैरह एक्सपेंसेस को तो वो थर्टी एट थाउजेंड आ रहे हैं सर हम थर्टी एट थाउजेंड नोट डाउन कर लेते हैं और इसके अंदर भी एक एडजस्टमेंट है आठ सौ रुपए की आउटस्टैंडिंग है तो सर क्या करेंगे प्लस करेंगे तो हम लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यहाँ पे और इसमें 800 लेस लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 38,800 एट थाउजेंड यहां तक मेरे साथ है सर यहां तक मेरे साथ है सर अच्छा सर अब आगे चलते हैं अब इसमें बाकी दो एक्सपेंस ने नहीं लिखे जो कि मैं लिखने चाहिए थे एक था डेप्रिसिएशन और एक आपका है इंटरेस्ट ऑन सॉरी प्रोविजन फॉर ऑफर अच्छा आप चाहें ना आप चाहें तो इसका एक तरीका ये भी होता है कि ये जो दो खर्चे हैं ना डेप्रिसिएशन का खर्चा हो गया और आपका प्रोविजन फॉर प्रॉफिट डेट का खर्चा हो गया ये अमन ताल्लुक रखता है एडमिन से वैसे तो उसको बताना चाहिए कि नॉन करेंसी का जो डेप्सन है वो हमारी डिलीवरी व्हीकल थे या हमारे ऑफिस के व्हीकल थे उसको बताना चाहिए तो अगर आप चाहें तो आप इनको ये जो हमारा छे सौ रुपए का खर्चा आ रहा है ये जो छे सौ रुपए का हमारा खर्चा आ रहा है प्रोविजन फॉर प्रॉफिट डेट का जो हमारा इंक्रीज हुआ है ये आप एडमिन एक्सपेंस में ऊपर ऐड कर सकते हैं मिला के लिख सकते हैं कोई मसला नहीं है इसके अंदर और जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो भी आप एडमिन एक्सपेंस के अंदर लिख ले लिख सकते हैं लेकिन आप चाहें तो नहीं लिखे तो भी कोई मसला नहीं है तो भी कोई मसला नहीं तो हम अलग से लिख लेते हैं क्योंकि आपको टेंशन हो जाएगी तो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है तो हम अलग से लिख लेते हैं तो हम यह लिख लेते हैं इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और वो कितना आ रहा है हमारे पास छः सौ आ रहा है सर इसके बाद इसके बाद हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी डेपेशन के लिए आ जाते हैं सर डेप्रेशन हमारे पास टेन परसेंट है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो उसने बुक वैल्यू दी हुई है आपको ऑलरेडी उसने क्या किया बुक वैल्यू दी हुई है छः लाख दस हज़ार बुक वैल्यू दी हुई है तो आप क्या करें सर छः लाख दस हजार रुपये के ऊपर आप लगा लें जो परसेंटेज दी हुई है टेन परसेंट दी हुई है तो यह आ जाएगा सिक्सटी वन छः लाख दस हज़ार है तो सिक्सटी वन थाउजेंड आ जाएगा ठीक है बेटा तो मैं यहाँ सिक्सटी वन थाउजेंड लिख लेता हूँ बेटा इसका टोटल बताएं कितना आया बी क्विक गाइस बेटा मैंने थर्टी एट थाउजेंड में एट हंड्रेड जो प्लस किया था ये आउटस्टैंडिंग था ना बेटा वो अक्रूड था ना इसीलिए मैंने प्लस किया ना बेटा उसने सवाल में बोला हुआ ये फाइल में भेज दूंगा आपको ठीक है सर सर ये हमारे पास आ जाएगा वन फोर थ्री टू हंड्रेड ठीक है तो सर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम प्यार से कहेंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कहेंगे मतलब ये हमारा वो प्रॉफिट है जो सारे मेन एक्सपेंसेस जो बिजनेस को चलाने के होते हैं वो माइनस करके आया क्विक गाइस जल्दी बताएं क्या आया ताकि फिर इंटरेस्ट के एडजस्टमेंट करें सर सर ये आ गया वन वन फोर एट हंड्रेड ठीक है सर अब आ जाते हैं हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ठीक है तो आ जाते हैं सर इसके ऊपर आ जाते हैं तो देख ले जरा एक नजर और आपने बोले मुझे बताना है ये डिबेंचर की वैल्यू आ रही है मैं मिटा देता हूँ सारी चीजें ताकि आपको आसान हो जाए ये की वैल्यू आ रही है।, ये का रेट है अब तक जो हमने इंटरेस्ट पे किया वो ये और नीचे हमने इंटरेस्ट जो पे किया है वो हमने 31 मार्च 2020 तक पे किया है अरे हाँ बेटा बेडेड भी आएगा सॉरी बेटा बेडेड भी आएगा मैं भूल गया था बेड डेट भी आएगा थैंक यू बेटा बेड डेट भी आएगा पाँच सौ का मैं भूल गया था लिखना आप लिख करवा दें यहाँ पे बेड डेट भी आएगा बेटा वो कोई इशू नहीं है अच्छा ये बेड डेट हो गया प्रोविजन हो गया इसको आप एडमिन का पार्ट भी बना सकते हैं अगर सवाल में दिया हो आप मिला के लिख सकते हैं कोई इशू नहीं है तो ये हो जाएगा वन फोर थ्री सेवन हंड्रेड हो जाएगा वन फोर थ्री सेवन हंड्रेड हो जाएगा और ये हो जाएगा वन फोर 300 हो जाएगा, ठीक है है, सर, सर, वो आप देख लेना। अच्छा जी कहा सुने? ऊपर आ जाए? हमारे पास आ रहा है नीचे उसने है हुआ है कि एक बात बताई थी से सुनना से। मैंने पहले तो ये बताया था कि इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेटेड जाता है अगर क्वेश्चन साइलेंट हो मतलब आप लोगों ने क्या करना है दो लाख पे क्या करना है सेवन परसेंट लगा देना है जो आंसर आएगा वो जाएगा इनकम सेटमेंट में अगर क्वेश्चन साइलेंट हो लेकिन अगर वो क्वेश्चन में बता देता है कि मैंने इंटरेस्ट इतना पे किया है या इतना बाकी है लाइक इसने बोला हुआ है कि मैंने इतने अर्से तक का पे किया है या इतना बाकी है तो उस सूरत में फिर आप ये वाला फॉर्मला लगाना है जो हम अमूमन हम लगाते हैं पेड प्लस अक्रूड पेड प्लस अक्रूड क्योंकि ऐसा होता है कि हमने लोन बीच में लिया होता है डिबेंचर बीच में इशू किया होता है मतलब उसको इशू किए ही छह महीने हो चुके होते हैं इशू किए नौ महीने हो चुके होते हैं तो अगर हम डायरेक्ट इस तरीके से काम करेंगे ना डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो आंसर गलत आएगा तो क्वेश्चन में अगर वो बोल दे कि तीन महीने का अक्रूड है या छह महीने का अक्रूड है तो आपने क्या करना है ये वाला फॉर्मा लगाना है पेड लिखना है सर पेड कितना है हमारे पास सेवन ठीक है उसमें प्लस करना है जितने महीने का अक्रूड रहता है मतलब तो अगर आपके पास डिबेंचर अभी तक पड़ा हुआ है तो इट मीन आपको इंटरेस्ट तो पे करना है तो हमने मार्च 2020 तक पे किया है और हमारा साल एंड तो अगर आप काउंट करेंगस्त सेप्टेम्बर तीन महीने के हो गए टोटल छह महीने बनते हैं छह है, 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 महीने का इंटरेस्ट बाकी है आपका तो आप ट्वेंटी थाउजेंड ले उसको मल्टीप्लाई करें सेवन परसेंट से एंड देन मल्टीप्लाई करेंट ट्वेल्व सेवन परसेंट से क्यों किया सर यह रेट है 6 2, secure, क्या, ये बाप है। जल्दी बताएं कितना अमाउंट आया अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करते तब भी यही आंसर आता चौदह सौ लेकिन आप फिर भी मैं बोलूंगा कभी भी पेपर में से सवाल आ जाए कि इतने महीने का हमने पे कर दिया है तो आप ये वाला तरीका यूज कीजिएगा तो फोर्टीन हंड्रेड हमारे पास क्या होगा इंटरेस्ट ऑन डिपेंजर जाएगा चौदह सौ तो हम लिख लेते हैं सर ये हमारा आखिरी एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ठीक है फोर्टीन हंड्रेड इसको माइनस कर देंगे आपके पास आखिर में आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा जो हमारा प्रॉफिट बनता है बच्चे इसको नेट प्रॉफिट लिख हैं बट नेट प्रॉफिट नहीं लिखा है इसको कभी भी जिंदगी में नहीं लिखा है तो ये हो जाएगा एक लाख बारह हजार नौ सौ यहां तक मेरी बातें क्लियर है यहां तक मेरी बात क्लियर है ठीक है ये बीस पांच का सवाल था जो इस साल टेस्ट हुआ था मैं एक मिनट एक और सवाल भी देख लेता हूँ ताकि एक अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दू एक कंपनी में एक इशू है बहुत बड़ा सोल में ये होता था कि जो भी प्रॉफिट होता था वो किसका होता था सोल ट्रेडर का होता था तो वो प्रॉफिट हम क्या करते थे कैपिटल में जाके ऐड कर देते थे मतलब इनकम स्टेटमेंट के बाद हम डायरेक्ट क्या करते थे एसओ बनाते थे क्योंकि एक ही बंदा होता था सारा प्रॉफिट उसका होता था तो वो कैपिटल में जाके हम ऐड कर देते थे अच्छा जी अलग से कोई प्रॉफिट का अलग से कोई अकाउंट नहीं बनता था पार्टनरशिप जिन लोगों ने पढ़ा है जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको वैसे ही पढ़ाऊंगा मैं तो जिन लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ा है पार्टनरशिप ऐसा नहीं होता था पार्टनरशिप में कैपिटल का गा अकाउंट क्या होता था फिक्स हो जाता था फिक्स हो जाता था मतलब उसको हम नहीं छेड़ते थे तो जो भी प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट हम सारा बांट देते थे और एक अलग से अकाउंट बनता था करंट अकाउंट उसमें जाके सारी एडजस्टमेंट होती थी कैपिटल अकाउंट को हम नहीं छेड़ते थे वो फिक्स होता था अच्छा जी ट में वेरी करता है अगर आपने इनकम रिकॉर्ड पढ़ा हो तो आप लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाया होगा तो वो फ्लेक्सिबल होता है वेरी कर रहा होता है कंपनी में क्या होता है सर तो कंपनी में जो कैपिटल होता है उसको प्यार से हम नाम देते हैं शेयर कैपिटल उसको हम प्यार से नाम देते हैं शेयर कैपिटल ठीक है तो कंपनी में जो कैपिटल होता है उसको हम प्यार से नाम देते हैं शेयर कैपिटल सर क्यों क्योंकि कंपनी में कई लोग पैसा लगाते हैं और पैसे लगाने का तरीका ये होता है कि लोग क्या करते हैं कंपनी के शेयर खरीदते हैं और हर शेयर के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक रकम होती है लाइक मैंने आपको ऊपर बताया कि एक शेयर का डॉलर हंड्रेड का है तो अगर आप एक शेयर खरीदेंगे तो आपको हंड्रेड देने होंगे दो खरीदेंगे तो आपको दो देने होंगे तीन खरीदेंगे तो वो तीन देने होंगे ठीक है तो उसकी एक फेस वैल्यू होती है तो कंपनी का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो फिक्स होता है क्या होता है बेटा फिक्स होता है मतलब जो लोगों ने शेयर खरीदे होते हैं वो पैसे हम इसके अंदर यहां लिखते हैं तो कंपनी को हर साल क्या हो रहा होता है प्रॉफिट हो रहा होता है कंपनी को हर साल गेन हो रहा होता है तो जिस तरह पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है कंपनी में भी कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है तो सर उसके लिए क्या किया जाएगा जो प्रॉफिट होगा उसके उसकी कैसे एडजस्टमेंट होगी उसको कहां लिखेंगे तो हम क्या करते हैं कंपनी के अंदर एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिस तरह पार्टनरशिप में करंट अकाउंट था उसको प्यार से नाम देते हैं रिटेन अर्निंग एक अलग से अकाउंट बनता है उसको प्यार से हम नाम देते हैं रिटेन अर्निंग रिटेन का मतलब है रख लेना अर्निंग का मतलब होता है प्रॉफिट जो आपने कमाया तो ये अकाउंट किस लिए बनाते हैं कि जो भी कंपनी में प्रॉफिट होता है जो भी कंपनी में प्रॉफिट होता है जिसे ऊपर आपने प्रॉफिट निकाला ये वाला इस प्रॉफिट में से क्या होता है हम शेयर होल्डर को कुछ रकम देते हैं हर साल जिसको प्यार से हम कहते हैं डिविडेंड क्या कहते हैं डिविडेंड तो जाहिर बात है हम सारा प्रॉफिट नहीं बांटेंगे आगे भी तो कंपनी को चलाना है और डिविडेंड देने के लिए कैश भी होना चाहिए डिविडेंड देने के लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है एक आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए दूसरा आपके पास कैश होना चाहिए तो समाइम कंपनी के पास इतना कैश नहीं होता कि वो डिविडेंड दे दे प्रॉफिट होता है कैश नहीं होता तो उस सूरत में जाहिर सी बात है प्रॉफिट बच जाएगा और फ्यूचर के खर्चों के लिए भी हम कुछ पैसे रखते हैं इसीलिए हम डिविडेंट सारा सारा प्रॉफिट नहीं बांटते कुछ रख लेते हैं तो इसीलिए क्या नाम है इसका नाम है रिटेन अर्निंग यानी प्रॉफिट को जमा कर लेना रख लेना

कंपनी क्या करती है जैसे आप लोग घर में हमारे पेरेंट्स पैसे कमाते हैं तो कमेटी डाल देते हैं घर में कोई गुल्लक होता है ट्रेजरी बॉक्स होता है उसमें जाके क्या करते हैं पैसे जमा कर लेते हैं रीजन क्या होता है जेब में अगर पैसा होगा ना जेब में अगर पैसा होगा ना लग जाएगा वो ठीक है जेब में पैसा होगा तो लग जाएगा तो अगर हम कहीं रख लेंगे साइड पे तो उसके लगने के चांसेस फिर कम होते हैं क्योंकि वो फंस जाता है पैसा तो सेम एज कंपनी के डायरेक्टर कोशिश करते हैं कि जो रिटेन अर्निंग है हमारा ज्यादा नहीं हो अगर वो ज्यादा होगा तो शेयर होल्डर प्रेशराइज करेंगे हमें डिविडेंड देना पड़ेगा तो वो हर साल कुछ पैसा जर्नलिज्म में साइडलाइन कर देते हैं ताकि ये पैसा फंस जाए हमारा कैश मैनेज हो सके यहां तक मेरी बात क्लियर हो रही मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ कंपनी के कैपिटल में क्या क्या आता है तो आपकी ओ लेवल में कंपनी की कैपिटल में तीन चीजें हैं शेयर कैपिटल जो पैसा लोगों ने लगाया रिटेन मतलब वो प्रॉफिट जो बच गया आपके पास और जनरल रिजर्व वो पैसा जो हमने फ्यूचर के एक्सपेंसिस के लिए एमरजेंसी के लिए साइडलाइन किया है कैश को मैनेज करने के लिए यहां तक मेरे साथ हैं मुझे रिस्पॉन्स करें बेटा रिस्पॉन्स आप लोगों के रिस्पॉन्स का मुंतजर हूं क्योंकि आप रिस्पॉन्स देंगे तो मुझे एनर्जी मिलेगी मैं आगे जाऊंगा बेटा अब गौर से सुनना सर तो इनकम स्टेटमेंट के बाद हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं क्या बनाते हैं एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ठीक है ना ये कब बनती है सर ये इनकम स्टेटमेंट की बात बनती है तो कंपनी के इक्विटी में आपके ओ लेवल में तीन चीजें कितनी तीन चीजें एक है आपका अलग अलग करे शेयर कैपिटल एक होता है जनरल रिजर्व एक होता है रिटेनिंग और आखिर में हम टोटल का कॉलम भी इसके अंदर बनाते हैं तो मैं टोटल का कॉलम भी साइड पे बना लेता हूं ठीक है चलिए सर ये सारे क्या होते हैं कंपनी के इक्विटी का पार्ट होते हैं मतलब कंपनी की इक्विटी में ये तीनों चीजें आती हैं कभी भी सवाल आ जाए ना कंपनी की शेयर होल्डर इक्विटी बताओ या कंपनी की इक्विटी कितनी होगी तो तीनों को प्लस करके बताना है तो सर ये कैसे बनाते हैं इसके बनाने का तरीका ये होता है सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस बैलेंस एट बेगिनिंग ये सवाल में आपको दिया हुआ होगा मैं आपको दिखा देता हूं कोशिश करता हूं एक करवा देता हूं ये आपको सवाल में दिया होगा ये आप लिख लें और लिखने के बाद इन तीनों को टोटल कर लें जो टोटल आ जाए वो टोटल भी आप साइड पे लिख लें ठीक है सर तो सर इस स्टेटमेंट में क्या करना होता है इस स्टेटमेंट में ये करना होता है कि जो हमारे ओपनिंग बैलेंस से पहले हम वो लिख लेते हैं जो साल के शुरू में थे फिर साल में जो चेंजेस आई है ना जितनी भी चेंजेस आई है पूरे साल में वो हमें इसके अंदर दिखानी होती है तो तकरीबन हर अकाउंट में एक दो चेंजेस है एक दो चेंजेस है अच्छा जी सबसे पहले इसकी तरफ आ जाते हैं आपका अल्लाह भला करें शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल जो है ना ये तब बढ़ता है जब कंपनी फर्दर शेयर इशू करती है कंपनी को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो दो तरीके होते हैं लोन ले या शेयर इशू करे तो कंपनी जब भी शेयर इशू करेगी तो जाहिर है कंपनी के पास पैसा आएगा ठीक है ना लोगों के पास शेयर जाएंगे कंपनी के पास पैसा आएगा ओवरऑल शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा मतलब लोगों की इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी शेयर कैपिटल क्या शो करता है लोगों की इन्वेस्टमेंट को शो करता है तो अगर हमारी कंपनी में लोगों ने एक लाख लगाए थे फर्दर हमने और शेयर इशू किए लोगों ने पचास हजार और दिए लोगों के इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो गया ठीक है ना कंपनी के शेयर कैपिटल में इजाफा हो गया पहले कंपनी ने एक लाख शेयर दिए थे अब पचास हजार और दिए तो शेयर कैपिटल में क्या हो गया इजाफा हो गया तो सर यहां पर क्या आता है यहां पर हमारे पास आता है शेयर इशू आता है अगर कंपनी ने शेयर इशू किए हैं तो उन शेयर इशू के अगेंस्ट जो फेस वैल्यू मिली होती है जो पैसा आया होता है वो हो हम यहाँ क्या कर देते हैं डेबिट कर देते हैं सर यहां तक बात क्लियर है सर ये हो गया हमारे पास सर दूसरी बात सर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया

शेयरडर ने पैसा लगाया तो उसको पैसा देना है ड्राइंग देख करनी है उसको तो उसका तरीका ये होता है हम उसको डिविडेंड देते हैं डिविडेंड क्या होता है जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया होता है उस पर एक रिटर्न होता है जिसको हम दे रहे होते हैं तो सर ये रिटर्न माइनस कहाँ से होगा चलो बैंक हो जाएगा क्रेडिट डेबिट किसको करेंगे तो ये जो रिटेन अर्निंग है ना हम यहाँ से दे रहे होते हैं क्योंकि सारा प्रॉफिट कहाँ जा रहा होता है आपका इसके अंदर जा रहा होता है तो कंपनी क्या करती है डिविडेंड पे करती है तो जो भी हमने डिविडेंड पे किया है इसमें और भी बातें मैं बताऊंगा लेकिन कल बताऊंगा अभी फॉर्मेट बता रहा हूँ जो भी हमने डिविडेंड पे किया है वो हम क्या करेंगे अर्निंग से माइनस कर देंगे रिटेनिंग से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे ठीक है सर उसके अलावा सर उसके अलावा उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कंपनी क्या करती है जाहिर बात है मैंने पहले बताया अगर हमारे पास एक अच्छी खासी रकम बच रही होगी ना तो शेयर होल्डर क्या करेगा प्रेशराइज करेगा डायरेक्टर को कि आप कितना सारा प्रॉफिट रख के बैठे हैं ये हमें दे दें हमें दे दें डिविडेंड दें डिविडेंड दें दे, हमने पैसा लगाया ये वो तो हम क्या करते हैं इस चीज से बचने के लिए कि रिटेनिंग ज्यादा ज्यादा से शो नहीं हो हम कुछ पैसे क्या करते हैं जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे होते हैं भाई घर में अब्बा आ गए जेब में पैसे पड़े हुए हैं हजार दो हजार आप तंग करेंगे अब खर्ची कराओ ट्रीट दो ये दो तो जाहिर बात है जेब में पैसे कम होंगे तो ट्रीट वगैरह के आसरे भी कम होंगे तो यहाँ ये काम होना है तो सर अब क्या करेंगे सर आखिरी चीज़ है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये आपको सवाल में दिया होगा ये आपने रिटर्निंग से माइनस करना है और जनरल रिजर्व में ऐड कर देना है इसका ओवरऑल कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता सर क्यों इम्पैक्ट नहीं पड़ता ओवरऑल टोटल पे क्यों नहीं पड़ता क्योंकि एक रिजर्व कम हो रहा है दूसरा रिजर्व आपका बढ़ रहा है तो ये चार चीजें आपकी इसमें आती हैं इसमें और भी बातें लेकिन अभी मैं स्किप कर रहा हूं मैं कल फिर आपको इन डिटेल बताऊंगा आखिर में क्या करते हैं सर आखिर में हम इसका टोटल करते हैं ठीक है ये हमारे पास हो जाएगा बैलेंस एट एंड तो शेयर इसमें दो ही चीजें आती हैं इन दोनों में सिर्फ दो चीजें आती हैं बस दो चीजें आती हैं बस सबसे मेन आपका आखिरी वाला है ये रिटर्निंग रिटर्निंग का भी टोटल करना है और आखिर में इन सब का टोटल कर लेते हैं ठीक है यहां से टोटल करें या यहां से टोटल करें ये सेम आएगा ये कहलाता है शेयर होल्डर इक्विटी ये जो आपका इन सब का जो टोटल होता है ना इन सब का जो टोटल होता है वो ये होता है तो ये आपका क्या कहलाता है शेयर होल्डर इक्विटी कहलाता है यहां तक मेरी बातें क्लियर है यहां तक मेरी बातें क्लियर है अब बेटा गौर से सुनना कल की क्लास बहुत अहम है क्योंकि कंपनी का जो असल टॉपिक है जो पेपर में टेस्ट होता है वो ये जो आज हम सीख रहे हैं ये चीज है तो कल मैं इस, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगा और इसकी कैलकुलेशन कैसे होंगी चीजें कैसे आएंगी तो मैं बताऊंगा तो कल की क्लास बहुत अहम है क्योंकि मेन टॉपिक कंपनी का ये वाला है बाकी सारी चीजें आसान है कंपनी तो प्रैक्टिस कर। भी, भी, भी कराऊंगा सवाल तो अल्लाह में याद और होप फॉर द बेस्ट अल्लाह तला जो है कल का दिन आप लोगों को अच्छा करे एक अच्छी न्यूज आए आप लोगों के लिए के आपकी जिंदगी जो है आसान हो जाए करवा लें बेटा करवा लें मुझे भी बता दीजिएगा मेरी भी अकाउंटिंग अच्छी हो जाएगी आप वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन करवा लें हो सकता है मेरी अकाउंटिंग में